जीवन के लिए उपयोगी साधनाओं में एक साधना श्रेष्ठ और योग्य पुत्र प्राप्ति की साधना है। इसका दर्द इसका दुख तो वही समझ सकता है जिसके घर में संतान नहीं हो या पुत्र नहीं हो या जो बांझ हो या किसी वजह से वे संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो। उनके लिए तिब्बती साधना अपने आप ही अद्वितीय साधना है जिसका निश्चित और अनुकूल परिणाम प्राप्त होता ही है। जहां मैं इस प्रकार के मामलों में अन्य साधनाओं से असफल हो जाता हूं तब वहां मैं तिब्बती साधना का प्रयोग करता हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि एक बार भी इस पद्धति से मैं असफल नहीं हुआ। चाहे गर्भाशय में कितनी विकृति हो चाहे पुरुष में कितनी कमजोरी हो मगर इस साधना का यदि प्रयोग किया जाता है तो निश्चय ही उसे पुत्र प्राप्त होती ही है। या जिसके घर में केवल लड़कियां ही होती हो और पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा रखता हो या जिसके घर में संतान ही नहीं हो और पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता हो या जिसके घर में पुत्र योग्य नहीं हो कपूत हो या पुत्र की सुरक्षा के लिए पुत्र की समृद्धि के लिए पुत्र की उन्नति के लिए यह साधना अपने आप उपयोगी है। इसमें पुत्रेष्टि यंत्र की आवश्यकता होती है जो कि तिब्बती पद्धति से मंत्र सिद्ध हो और साथ ही साथ एक पुत्रेष्टि माला के विधान की जरूरत होती है या रुद्राक्ष माला हो जिसके माध्यम से मंत्र जप संपन्न किया जाए। साधक खड़े होकर के इस मंत्र जप को संपन्न करे चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री करे या दोनों मिलकर के करे और किसी भी दिन से यह साधना प्रारंभ की जा सकती है और 11 दिन की साधना है। इसमें दोनों साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें और निरंतर यह आकांक्षा रखें कि मुझे पुत्र उत्पन्न हो पुत्र प्राप्ति हो। घर का दीपक अखंड प्रज्वलित रहे और पूर्व की ओर मुंह करके इस साधना को संपन्न करें। यह भी रात्रिकालीन साधना है मगर इस साधना को प्रारंभ करने से पूर्व पुत्रेष्टि दीक्षा प्राप्त करनी अनिवार्य है। संभव हो तो पति और पत्नी दोनों को ये दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए और यदि ऐसा संभव नहीं हो सके तो दोनों में से किसी एक को तो ये दीक्षा प्राप्त करनी ही चाहिए गुरु के समीप जाकर के और यदि ऐसा संभव नहीं हो तो दूर बैठे हुए पचित्र भेज की भी दीक्षा प्राप्त की जा सकती है पर दीक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद नित्य 51 माला मंत्र जाप करें रात्रि को और इसमें मंत्र है ओम पुम दैन श्री केवल 3 अक्षरों का यह मंत्र अपने आप में चैतन्य और महत्वपूर्ण मंत्र है। जितने दिन की साधना है उस समय में साधक पूर्ण मनोयोग पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखता हुआ इस साधना को संपन्न करें। उसके बाद वह यंत्र जो सामने पुत्रेष्टि यंत्र है वे पति पत्नी दोनों अलग अलग धारण कर लें और उसके बाद यदि समागम करें तो निश्चय ही उसे पुत्र प्राप्ति होती ही है और यदि इस पुत्रेष्टि यंत्र को अपने पूजा स्थान में रखें तो पुत्र आज्ञाकारी होता है पुत्र की उन्नति होती है पुत्र की नौकरी लग जाती है पुत्र के व्यापार में वृद्धि होती है और पुत्र से संबंधित जो बाधाएं अड़चने कठिनाइयां होती है वे दूर हो जाती है। वास्तव में यह एक अद्वितीय मंत्र है जिसका उपयोग आज के समाज के लिए अनिवार्य है क्योंकि लाखों स्त्रियां बांझ हैं और वे बांझपन से पीड़ित हैं जिसका कोई इलाज इस देश में नहीं है इस विश्व में नहीं है। उनका इलाज केवल यह लामा पद्धति के माध्यम से संभव है और उसके माध्यम से पूर्ण सफलता प्राप्त होती ही है।